और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम एंड रिजल्ट्स का एक ऐप दिया होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ क्विज में आप लोग जाकर RRB NTPC का हर एक शिफ्ट का एनालाइज कर सकते हैं। एक शिफ्ट में लगभग आपको 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में प्रोवाइड कराया गया है। जो क्वेश्चन आया हुआ है 28 दिसंबर से, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम एंड रिजल्ट्स को। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो केरल राज्य से संबंधित है, और केरल राज्य में एक और डांस है जो कि बहुत फेमस है, वो है कथकली। तो अगले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्त ऑफर पूछा गया है, तो अगस्त ऑफर 1940 में आपको लाया गया था। उस समय वाइस राय कौन थे? तो उस समय वाइस राय थे लिन लिथगो उस समय वाइस राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2020 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है राजकमल झा को। अगले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस बुक, किस नोबल के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है द सिटी एंड द सी के लिए। देखिए, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जितने लोग एटलीस्ट देखते हैं, देखिए जितने लोग एटलीस्ट वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड किसको दिया गया है? तो विराट कोहली उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर शायद बिपिन चंद्र पाल था। अब देखिए, खिलाफत मूवमेंट 1919 में चालू हुआ था, 24 तक चला था। तो 1919 अगर सिर्फ डेट पूछा होगा तो 1919 आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जिसका लोग बोला था कि बिपिन चंद्र पाल आंसर थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 500 लीटर पानी जो है फ्री में देने के लिए कौन सा स्टेट बोला है हर घर को? तो देखिए, इसका आंसर बिहार भी हो सकता है और महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में मौजूद था। रेड क्लिफ लाइन दो कंट्री के बीच में बाउंड्री है, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बाउंड्री है, और इंडिया और बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ ही है। मैक मोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना का है। तो आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए एक चीज और, रेड क्लिफ लाइन का ये 17 अगस्त 1947 को ये बाउंड्री ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा का सीएम पूछा गया, तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। उसी तरह बिहार के अभी नया इलेक्शन हुआ है, तो सीएम कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं। तो ये सीट थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो ऐप है उसमें आप लोग जाकर सीएम का पूरा, आपको सीएम गवर्नर ये सब कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग क्वेश्चन बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पर जरूर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा गया, तो वुलर लेक कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि अभिगन शकुंतलम में, जो कि लिखा गया है कालिदास के द्वारा, तो शकुंतलम का पुत्र का नाम पूछा गया है। तो आपको इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हमको नहीं पता है तो आप लोग जरूर दीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI? तो CD देशमुख इसका करेक्ट आंसर है। UN के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, तो मारिया फर्नाडा स्पिनोसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि PM किसान सम्मान निधि योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि फार्मर को 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया देने के लिए गवर्नमेंट बोली है, उस योजना का नाम बताइए। तो PM किसान सम्मान निधि योजना उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। पहला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, देखिए पहला न्यूज़पेपर वेस्ट बंगाल का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गैजेट, जो कि 10 मार्च 1781 में चालू किया गया था, और ये इसको चालू करने वाले थे जेम्स अगस्ता हिकी, इसका करेक्ट आंसर था। तो इसका देखिए, इसमें अभी 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला न्यूज़पेपर पेपर बंगाल गैजेट आप लोग मान लिए, ये कब चालू हुआ था नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको कौन चालू किया था तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लॉन्गेस्ट ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का लॉन्गेस्ट ब्रिज का पूछा गया है, तो ये 9.15 किलोमीटर का है, धौला सिंधिया ब्रिज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राइट टू इक्वालिटी पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18।
कौन सा ऐसा कंट्री है जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है? तो वो सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑपरेशन विजय जो है वो किससे रिलेटेड है? तो कारगिल वार से रिलेटेड है। हैवी वाटर का कहाँ पर यूज होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड, तो ये सेल जो होता है ना, सेल के ऊपर ये सराउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लीजिए 22, विच ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन के अनुसार इसको देखना था, जैसे कोबाल हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए तो जो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जाभा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको देखना था। डाटा सेव्ड मतलब डाटा कैन बी सेव्ड बाय, तो डाटा चार ऑप्शन दिया होता है, उसमें डाटा कैसे किसके द्वारा सेव किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बैंक वर्क डन बाय विच डिपार्टमेंट, तो बैंक का जितना कार्य होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है वो ही देखता है। जैसे आरबीआई तो देखता ही है, मगर आरबीआई जितने भी हैं सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, उन्हीं का मतलब कि आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका आदि होगा, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन में, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।